أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपनी सी पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर निगेबान है तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनके दरमियान फैसला करना और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करना الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بعد المؤمنين النصر الذي سيجعل بعد العسر يسرا وأشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في قرانه المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا أماناتكم وَأنتم تعلمون व الله العظيم अल्लाह تعالى अपने कुरान पाक में फ़रमाते हैं ईमान वालों जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम से गद्दारी ना करो और अपनी अमानतों में गद्दारी के मरतकब ना हो मैं तमाम साम और नाजरीन को आज इस कॉन्फ्रेंस में खुश कहता हूँ जिसका है दो रियाती हल अल्लाह और उसके रसूल सल्हु वसल्लम के साथ और पूरी उम्मत के साथ गद्दारी है हम गजा में फ़िलिस्तीन में इस वक्त वो देख रहे हैं जो क्यामत सगरा है यहूदियों और यहूदियों के पीछे पूरी मगरबी तहजीब ने मुसलमानों का कत्ले आम बरपा करके रखा हुआ है मासूम बच्चों औरतों को उनके घरों में मारा जा रहा है इस वक्त मुसलमान हुक्मरान खामोशी की तस्वीर बने हुए हैं ऐसा महसूस होता है कि ये मुसलमानों के खैर नहीं हैं बल्कि ये अपने आका मगरबी आका के ज़्यादा खैर और ज़्यादा वफादार हैं ये उनके साथी और उनके इतिहादी हैं इस वक्त गजा के मुसलमानों का कोई हाल नहीं है आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो बीस हज़ार से ज़्यादा जाने मासूम मुसलमान जाने वो मासूम मुसलमान जाने जिनकी हरमत जिनका तकदस खाना काबा से ज़्यादा अहम है वो शहीद किए जा चुके हैं जिनमें अक्सरियत बच्चों और औरतों की है इस मौजु पर आज हम आपसे मुखातब होना चाहते हैं इस मौजु पर हमने इस कॉन्फ्रेंस का इनका किया है और हमने अपने मोहतरम मेहमानों को दावत दी है कि वो आज हमारे साथ शामिल हों और इस मौजू के मतलब इस्लाम के अहकाम की रोशनी में वजाहत करें कि इस मामले की हकीकत क्या है और इस मामले का हल क्या है हमारे साथ आज तीन मेहमान मौजूद हैं हमारे पहले मेहमान डॉक्टर अकमल जिन्होंने हमें पेशावर से ज्वाइन किया है वो हमें ये बताएंगे के दो रियासती हल की हकीकत क्या है असल में ये दो रियासतें क्या होंगी अगर ये वजूद में आईं और ये क्या प्लान है जिसके मुताबिक ये दो रियासती हल किए जा रहे हैं और इस्लाम में इसका सोलूशन क्या है वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम हमारे दूसरे मेहमान जुनेद ख़ान साहब जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है वो हमें बताएंगे कि असल में ये जो फ़लस्तीन का मसला है ये तमाम मुसलमानों के दिलों में धड़कन की तरह क्यों गूंज रहा है क्या ये जैसे कुछ लोग हमें समझाते हैं कि ये अरब का मसला है ये वहाँ के मकामी लोगों का मसला है ये एक इलाके का मसला है क्या ये बात है या इसके मुकाबले में हमें इस्लाम में कुरान में और अदीस में इससे मुतलक कुछ अहकाम मिलते हैं तो ये जो गज़ा का मसला है क्या ये सिर्फ़ एक इलाकाई मसला है या दो बड़ी तहजीबों का तस्दम है जो इस वक्त गजा के मैदान में नज़र आ रहा है असला जुनीद खान साहब वाले हमारे तीसरे स्पीकर इमरान यूसुफई साहब जिन्होंने हमें पेशावर से ज्वाइन किया है वो आज हमें बताएंगे कि आखिर क्यों गजा के मामले पर मुसलमान कुछ नहीं कर सक रहे क्या रुकावट है कि हम अपने भाइयों और बहनों और बच्चों की मदद नहीं कर सक रहे गजा के अंदर वो क्या तरीक़ेकार है कि जब मुसलमान मतहद होकर हर मज़लूम की पुकार पर लब कहेंगे वो क्या रास्ता होगा कि जब मुसलमान दुनिया में मतहद होंगे और हर उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर किसी भी मुसलमान के साथ जुल्म किया जाएगा अस्सलाम असलामकुम इमरान साहब जी वालेकुम अस्सलाम। मोजे सामीन और नाजरीन हम इससे पहले कि हम अपने मेहमान ग्रामी को दावत दें कि वो इस मौजू पर हमारे सामने तफसीली बात करें हमने आपकी पेशे ख़िदमत एक डॉक्यूमेंट्री करनी है जो इस मौजू के हवाले से बनाई गई है के दो रियाती हल क्या है और इसके बारे में हमारे लिए अल्लाह का हुक्म क्या है हुक्म शरी क्या है लिहाजा अपनी स्पीचिस की तरफ जाने से पहले आप ये डॉक्यूमेंट्री देख लें पिछले कुछ अरसे से अमरीकी डिक्टेशन पर सरकारी सतह पर पाकिस्तान की जानब से फलस्तीन के मसले पर दो रियाती हल को दोहराया जा रहा है जबकि पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के मुसलमानों ने अमूमी तौर पर और 6 दिसंबर को इस्लामाबाद में तहफ़ अक्सा कॉन्फ्रेंस में मुश्तरक तौर पर उलेमा ने भी इसे मुस्तरद कर दिया था आइए देखते हैं कि दो रियाती हल की तारीखी पस मंजर में क्या हकीकत है दरअसल दो रियाती हल मगरब की सियासी सोच और नजरिए से अखज किया गया है सलाहुलद्दीन ऐूबी रहमत ने जब फलस्त की बाबरकत सरजमीन को सलीबियों के कब्जे से आज़ाद करवाया तो उस वक्त से लेकर 1917 तक मुसलमानों के खलफा ने फलस्तान की इस्लामी सरजमीन की हिफाजत की और फलस्तान को कुफार के हमलों से महफूज रखा 1917 में पहली जंग अजीम में खिलाफत ओस्मानिया की शिकस्त और 1924 में खिलाफत अस्मानिया की तबाही के बाद फ़लस्तीन के इलाके पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया और इस इलाके से मुसलमानों को बेदखल करके यहाँ यहूदियों को आबाद किया और 1948 में इस खत्े में अमरीका और बरतानिया ने मुसलमानों के इलाकों पर अवहदा के प्लेटफॉर्म के जरिए यहूदी रियासत के क्याम का ऐलान कर दिया दो रियाती हल दर हकीकत मुसलमानों से ये मुतालबा करता है कि वो फलस्तीन की बाबरकत सरजमीन पर अपने हक़ से दस्तरदार हो जाए और इस इलाके को मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान बांट लें और फलस्तान के थोड़े से हिस्से के बदले में यहूदी वजूद को तस्लीम कर लें साम कराम अब हम अपने पहले स्पीकर को दावत देंगे डॉक्टर अकमल कि वो आएँ और दो रियाती हल की हकीक़त और इसके बारे में हुक्म शरी के मौजू के ऊपर अपने ख़यालात का इजहार करें जी डॉक्टर साहब आउज़बिल्लिमिन शैतरम इसमिलरिम अल्हदिल्ल रबीन वसलात वसलाम असूल करीम ऐसे वक़्त जब गज़ा में मुसलमानों पर एक क्यामत तोड़ दी गई है बीस इक्कीस हज़ार शहादतें हो चुकी हैं जिसमें बेशतर औरतें और बच्चे हैं पूरी दुनिया के अंदर बशमूल मस ममालिक में इस मसले के हल के लिए डिस्कशंस जारी हैं और इस चीज़ के अंदर एक बहुत ही अहम बात है भले हमें एक एक यूनिफॉर्मिटी नजर आती है एक एक यकसानगी नज़र आती है भले वो मशरक के ममालिकों मुसलमान ममालिक हों मगरब के ममालिक हों सब के सब जो हैं तो एक जुमला बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दो रियाती हल के अलावा कोई और हल नहीं एक तकरार मौजूद है दो रियाती हल के हवाले से और इसी को हुई अटल समझा जा रहा है कि इसके अलावा कोई और बात नहीं हो सकती तमाम मुबहस में यही एक बात है और इसी में छुपी हुई बात यह है कि यहाँ इस खत्े के अंदर एक यहूदी वजूद एक सहूनी रियासत का वजूद एक लाजमी बात है और अंदाज़ा ये दिया जाता है इम्प्रेशन ये बिल्ड किया जाता है कि बहस सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि हदूद किधर होनी चाहिए अड़तालीस की हदूद होगी सिक्सटी सेवन की हदूद होगी या अभी सात अक्टूबर के बाद होने वाले वाक़ में क्या गजा का वजूद रहेगा नहीं रहेगा इसको आगे लेके चलना है क्या करना है यही वो फ्रेब है इस बात को पहचानना चाहिए इस बात को जानना चाहिए कि इस्तेमार ने अपना नजरिया अपना प्लेटफॉर्म अपना फ्रेमवर्क अपना ही हल पेश किया है हमारे सामने रख दिया है और तमाम के तमाम मुबाज को महदूद कर दिया है सिर्फ इस हद तक कि भाई दो स्टेट का सोल्यूशन होना चाहिए और हमें उसके जज्बियात के हद हाँ तक जो है तो कह दिया बस इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं कि कितनी आगे बॉर्डर जानी है आगे पीछे करनी है कौन से शहरी आबादियाँ होंगी कौन से हकूक़ होंगे कौन से हकूक नहीं होंगे कहाँ पर सतासठ वाली बॉर्डर होगी अड़तालीस वाली होगी या अभी जो है तो हमने जो बात की है या सात अक्टूबर वाला जो मामला हुआ है उसके मुताबिक होना है नहीं होना ऑस्लो एग्रीमेंट चलेगा नहीं चलेगा तिरानवे वाला ऑस्लो वन ऑस्लो टू दो हज़ार तीन मुख्तलफ़ इस तरीके से हमारे सामने रखा जाता है मगर जो बात है वो यही है कि ये टू स्टेट सोल्यूशन के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है हमारे हुक्मरान हमारा दानशवर हमारे उलमा टू स्टेट सोल्यूशन टू स्टेट सोल्यूशन की एक तकरार लगाए हुए हैं और यही वो बात करते जाते हैं मुस्लिम इलाकों पर पहली जंग अजीम के बाद कब्जा हासिल कर लेने के साथ ही मसला फलस्तीन पैदा हो इस बात को पहचानना है ये मसला जहां पर के दो कम्युनिटीज एक दूसरे के लोगों को कत्ल कर रहे इस खत्ते के अंदर इसी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता क़मोबेश तकरीबन 600 साल इसी खत्ते के ऊपर अगर बात की जाती है ग्यारह सौ सतासी के बाद जब फलस्तीन के अंदर ही दोबारा एक बार फिर बैतलमस मुसलमानों के कब्जे में किया उस वक़्त से लेकर 1918 तक क़मो तकरीबन जो है तो ये सात सौ साल छः सौ साल बनते हैं इन सात सौ सालों में ये मसा इस तरीके से बने ही नहीं मसाई हों और ईसाई के किसी भी किस्म के सेक्ट के साथ उनका ताल्लुक हो यहूद हों या मुसलमान हों सारे के सारे इस ख़त्ते में रहे हैं आपस में इकट्ठे रहे हैं इनको ये मसा पेश नहीं आया जो कि आज यहाँ पर मौजूद है इंग्लिस्तान के अंग्रेजों के बरतानिया के इस मसले के ऊपर इस खत के ऊपर कब्जा हासिल कर लेने के बाद उन्होंने इस मसले को इस तरीके से पेश किया कि बज़ाहिर दो कौमें हैं दो लोग हैं जो कि इस ज़मीन के ऊपर मलकियत के दावेदार अच्छा इसी बात के अंदर दावेदारी की बुनियाद क्या है दावेदारी के लिए फार्मूला क्या है दावेदारी के लिए सबूत क्या हो सकते हैं उसके लिए कौमी जो ये आ, नेशन स्टेट थ्योरी के बेसिस के ऊपर जोन सी बातें जो हैं तो किसी रियासत के वजूद को जवाब बखश सकती हैं वही फार्मूला इस्तेमाल किया गया क्या अच्छा कोई किसी ज़मीन का नेटिव हो नंबर एक बात अपनी तारीफ़ रखता हो दो बात अपनी तारी अपने ज़ुबान रखता हो अपना मखसूस कल्चर रखता हो अपना मखसूस जो है तो रहन सहन रखता हो जैसे कि हमें दो, दो, दो कौमी नज़रिया के तहत हमें समझाया गया था कि क्यों कर पाकिस्तान को वजूद देने के लिए पाकिस्तान को हासिल करना जरूरी एक बात है ये कौमी रियाती नजरिया था जिसके बुनियाद के ऊपर इस खत्े के अंदर एक झगड़ा खड़ा किया गया और दोनों फरीक ने अपना अपना मुद्दा रखा और मगरब के कायम किए हुए इस्तेमाली इदारों के पास बंदर बान के लिए चले गए बंदरबान वाला वाक्य तो आप लोग जानते होंगे कि किस तरीके से दो बिल्ली में झगड़ा हुआ और बंदर ने उनके दरमियान में इंसाफ किस तरीके से किया दोनों के दोनों फरीक वो यहूद हों के मुसलमान हों बरतान को मुनसिफ बनाकर इंसाफ हासिल करने के लिए उनके पास चले गए वही जिसने इस मसले को पैदा किया वही जिसके नज़रियात की वजह से इस ख़त्ते के अंदर खून खून खराबा हुआ उसी के पास ये इंसाफ हासिल करने के लिए चले गए चूँकि अर्ज़ फलसन की माजी करीब की तारीख मौजू नहीं है मैं इसलिए उन्नीस सौ अठारह से लेकर सत ये सात अक्टूबर दो हज़ार तेईस तक वाले वाक़ात की तफसील में मैं नहीं जाना चाहता मगर मैं सिंपल इस टू स्टेट सोल्यूशन को सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है और इसमें किस तरीके से स्टेट का लफ्ज़ धोखे के लिए शामिल कर लिया गया ये टू स्टेट सोलूशन नहीं है ये एक स्टेट का सोल्यूशन है कि यहूद की सहूनीों की एक रियासत होगी और उसके मुकाबले में मुसलमानों की जेलें होंगी आसो एग्रीमेंट जो 1993 में हुआ जिसमें जहां पर एक तरफ यासर यासरफात एक फरीक के तौर पर मौजूद थे दूसरी तरफ अजहा रबीन मौजूद थे जिन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन की मौजूदगी में वाशिंगटन डीसी में इस पर साइन किया और उसके बाद जो है तो नाइनटीन में आसो एग्रीमेंट की बुनियाद पड़ गई एग्रीमेंट क्या था? दाखिल खुद मुख्तारी में शामिल करना चाहता हूं दाखिल खुद मुख्तारी का हक मिला इस ख़त्ते के फलस्तियों को ठीक है ना इस ख़त्ते के अंदर दो जो हैं तो इस बात को तस्सीम कर लिया गया कि इस खत्ते में दो किस्म के लोग दो किस्म की नस्लें बस्ती हैं एक नस्ल को कहा गया यहूद दूसरी नस्ल को कहा गया कि फलस्तनी है चुनाच इस खत्े के अंदर फलस्ती को दाखिली मुख़्तारी का हक दिया गया इजाज़त दी गई अच्छा इस दाखिली ख़ुद मुख्तारी के अंदर भी पूरे के पूरे सतासठ के बाद के मकबूजा जात ठीक अड़तालीस के बाद के नहीं नाइनटीन सिक्सटी सेवन के अंदर छः दिन की जंग के अंदर अभी अस्सी दिन में जो कुछ गज़ा में हासिल नहीं कर सका यहूद ने छः दिन के अंदर यार के सारे मकबूजा मकबूजा जत हासिल किए मे बी ये किसी और दिन किसी और टॉक के अंदर इस बात की तफसील को देखा जा सकता है 1967 की जंग के बाद के मकबूजा जात की तकसीम की गई इसको ए बी सी तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया और इसमें सबसे पहला जो हिस्सा था वो था जिसमें कि फलस्तनी अथॉरिटी फलसतीनी इंतजामिया को फलसतीनी अथॉरिटी को अपने काम को ऑर्गेनाइज करने की आज़ादी हासिल होगी ये कुल इलाके का सिर्फ अठारह परसेंट एरिया बी वो इलाका होगा जिसमें के यहूद और फलसतनी अथॉरिटी मिलकर उसका इंतज़ाम करेंगे यानी ए और बी में सिर्फ फ़र्क इतना है कि ए में इसराइली अफवाज को इसराइली सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इसराइली इंतज़ामिया को मुदाखलत करने के लिए एक, एक अल्टीमेटम तो मैं नहीं कहूँगा मगर एक इंटीमेशन देनी है एक पेशगी इतला देनी है कि हम आपके इलाके में दाखिल होना चाहते हैं करना चाहते हैं अक्सर का तो ये भी नहीं होता वो अपनी मर्जी से जनीन में अपनी मर्जी से हैब्रॉन में अपनी मर्जी से रमल्ला में दाखिल हुए यहां तक के यासर अरफात के अपने दफ्तर के ऊपर भी उन्होंने हमला किया उस पर उसको उसको मिसमार करने की कोशिश की गई ए और बी में से फ़र्क यह है कि ए में इसराइली अथॉरिटीज़ को पेशगी इतला देकर दाखिल होना है बी के अंदर उनको पेशगी इतला देने की भी जरूरत नहीं है इसलिए ये जॉइंट अथॉरिटी वाला इलाका बनता है सी वो है जिसमें के फलस्तिन अथॉरिटी का कोई अमल दखल नहीं है एंड इट इज दिक्सटी परसेंट ऑफ द होल एरिया बी बाईस परसेंट है ए अठारह परसेंट है सी सिक्सटी परसेंट है फिर मजीद ए बी सी की तकसीम तो हो गई जितने भी एरियाज आए यानी कैटेगरी ए के तहत उन सब को बिल्कुल बंद चारों तरफ से यानी बॉर्डर लगाकर दीवारें खड़ी करके उसके ऊपर गार्ड टावर्स गार्ड टावर्स के अंदर खुदकार किस्म के जो कैमरास के साथ मशीन करने वगैरह लगाई गई हैं खुदकार तरीके से जिनसे गोली चल सकती है मुसलमानों के लिए छोटी छोटी जेलें बना दी गई हैं अच्छा ये जो इलाका जिसको कहा गया कि मुसलमान इसमें खुद मुख्तार हैं यानी ये उस अट्ठारह परसेंट एरिया ए की बात हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमान इसमें मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है इसमें मुसलमानों के पास पानी के हकूक़ नहीं है इसमें मुसलमानों के पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कंट्रोल नहीं है इसमें मुसलमानों के पास आने जाने का यानी किसी एक शहर में निकलना चाहते हैं शहर में दाखिल होना चाहते हैं इजाज़त नहीं है आपको जो है तो इसराइली चेक पोस्ट पर जाना होगा मुकम्मल जाम तलाशी होगी कपड़े बिशायद उतारने पड़ेंगे उसके बाद जो है तो आपका पूरा यानी वेटिंग एरिया होगा वेटिंग रूम वेटिंग टाइम जो है चार चार पाँच पाँच घंटे हो सकते हैं और फिर उसके बाद जो है तो आप सिंपली एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाने की आपको इजाजत मिल सकती है भले आप बीमार हैं एक शहर में अस्पताल है दूसरे में अगर दूसरे शहर ही आना चाहता है उसको एक बीमार बंदे को भी इसी तरीके से पूरे पूरे दिन की रुकावटों में से गुजर कर जाना पड़ेगा बिल्डिंग परमिट का कंट्रोल इसराइल के पास है जब उसका दिल चाहता है लेक्टिव पनिशमेंट की बेसिस के ऊपर एक बंदे के जुर्म के ऊपर पूरी फैमिली को सजा दी जाती है उसके घर को मिसमार किया जा सकता है पूरी के पूरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस को गिरा दिया जाता है क्योंकि इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बंदे ने इसराइली इलाके के अंदर आकर किसी किस्म का जुर्म किया है फजा का कंट्रोल इसराइल के पास पुलिस कितनी होगी इसराइल के पास पुलिस कितनी गोलियां साथ रख सकती है इसराइल के पास छह गोलियों से ज्यादा हो नहीं सकता बैंक तरसीलात वगैरह तरसीला जर की बात आती है इसराइल के पास है टैक्सेशन सारी चीजें उनके पास जाती हैं जब उनका दिल करता है वो तरसीलाते जर को रोक लेंगे कहेंगे भैया फंड्स नहीं देना चाहते जब उनका दिल चाहेगा बॉर्डर बंद कर देंगे जब उनका दिल चाहेगा वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर देंगे जब उनका दिल चाहेगा वो लोगों की मूवमेंट को बंद कर सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने पर पाबंदी लगा सकते हैं हर एक शहर अपनी अपनी जगह पर एक जेल की शक्ल हासिल कर जाता है गजा और वेस्ट बैंक टेक्निकली एक रियासत होना चाहिए था मगर गजा से वेस्ट बैंक और वेस्ट बैंक से गजा की तरफ कोई नहीं आ सकता बगैर इसराइली इजाजत यह है ये है वो रियासत जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह फलस्ती की अपनी रियासत होगी हकीकत यह है कि यह जेल खाना जात जो के बनाए जा रहे हैं जो कहा जा रहा है कि ये टू स्टेट सोल्यूशन है इसमें महज मुसलमानों के पास एक झंडा रखने की इजाजत है झंडा में लगने वाला डंडा भी इसराइल की इजाजत के साथ आता है इसके बाद भी हर किस्म के फलसतीनी इंतजामिया के फैसले पर सोहनी रियासत को वीटो हासिल है आप अस्पताल बनाना चाहते हैं कौन सी मशीन आएगी उनकी इजाजत के साथ है आप सीमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं उनकी इजाजत के साथ सरिया इंपोर्ट करना चाहते हैं उनकी इजाजत के साथ जो मशीनरी कोई भी चीज अगर आ सकती है उनकी इजाजत के साथ ही होगी इसके बगैर नहीं हो सकती इसको उन्होंने कह दिया ये हमारी सिक्योरिटी खतरा है मना कर देंगे अब तो खुलेआम वो कह रहे हैं कि वो ऐसी रियासत को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ऐसी रियासत की इजाजत ही नहीं देंगे जिसके अंदर इस बात की सख्त मौजूद हो कि वह इसराइल के साथ मुकाबला कर सकती तो ये टू स्टेट सोल्यूशन नहीं है ये टू स्टेट सोल्यूशन नहीं है महमूद अब्बास जिसको के फलसतीनी अथॉरिटी का सदर कहा जाता है हमारे छोटे शहर के मेयर से भी कम इख्तियार अपने पास रखता है ये टू स्टेट सोल्यूशन नहीं है चुनाचा इस बात को जान लीजिए कि जब भी दो रियासतों का जिक्र होगा तो इसमें इस बात का फायदा उठाया जाता है कि लोग रियासत का जो तस्वर रखते हैं शायद ऐसी ही रियासत की बात हो रही है यहाँ मसीन में महज फजला जमा कर सकने की सकत को रियासत कहा जा रहा है हालांकि ये रियासत नहीं है इस बात को पहचानना चाहिए जो कोई भी ये बात करेगा कि दो रियासती हल इस इलाके को आगे लेकर जा सकता है वो मत का खाएन है जैसे पहले ये बात रखी गई थी कि मुसलमानों के लिए इस मसले को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल का नजरिया उनके प्लेटफॉर्म उनके फ्रेमवर्क और उनके हल तक महदूद करके पेश किया जाता है और ये इंप्रेशन बनाया जाता है जैसे कि बस यही असल है इस फ्रेब में हमारे दानश्वर को हुक्मरान भी जानते हुए या अनजाने में इस्तेमाल के वकील बने हुए होते हैं इस्लाम में ये मसला अड़तालीस या सतासठ या तिरानवे या सात अक्टूबर के बाद वाले इलाकों का नहीं इस्लाम का मुखातब वो तमाम जमीन है जिसमें जिसको अर्ज मुकदसा कहा जाता है जिसमें कबला अवल और बैतुलमकद शामिल है कबला अवल मुकम्मल हर्म शरीफ है जिसमें मुख्तलि मसाजिद और इमारतें मौजूद हैं कबल अवल इन तीन मसाजिद में से एक मस्जिद है जिसकी तरफ सफ़र करना मुसलमानों के लिए इबादत है यानी मस्जिद मक् में मस्जिद नबवी मदीना मनवर में और उसके साथ मस्जिद अक्सा जो कि अलकुदस में है वो शामिल किया गया अम्बिया की ये सरजमीन मुसलमानों के मुकदसात में से एक है और मदीना की तरफ हिजरत और इस्लामी रियासत के क़्याम से पहले अल्लाह तबारकवा ने सरवर कायनात सल्हस को इस जमीन की ज्यारत करवाई यहाँ कुल जमीत रसुल में इमामत की और फिर इस बात जमीन से महराज के लिए तशरीफ ले गए को हर में काबा से भी तशरीफ लेकर जाने में मतलकन कादर थे लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने अर्ज मुकदसा को चुना सुबहानलमिनहराम अक्सा माहौल को हमने बाबरकत बनाया ताकि हम दिखाएं इस बंदे को अपनी निशानियां अब देखते हैं कि अर्ज मुबारक के साथ साहब कराम रजियाल ने कैसा बर्ताव किया पैतुलमकद की फतह के वक्त दुनिया ने अजीब माजरा का मुशाह किया इससे पहले किस तरह की सल्तनत का पाए तख्त मदाइन को मुसलमान फतह कर चुके थे सल्तनत किस तरह उस वक्त की दो सुपर पावर्स में से एक थी और मदाइन इसका दारुल दारकूमत था किस तरह की अम्पायर की बसात लिपट चुकी थी बाजंतनी अम्पायर के शाम में कैसर की फौजों को यरमूक में नाकाबले तलाफी शिकस्त मिल चुकी थी कैसर रोम ये कह कि ए सीरिया तुझे अलविदा कहने वाले का सलाम अब मुझे कभी उम्मीद नहीं कि मैं तुझे कभी लौट कर तेरी तरफ आऊँगा कहकर अपने दारुल हुकूमत को सुन दुनिया के लिए बहरी जहाज में सवार होकर रवाना हो चुका पूरे शाम में पैतलमकदस के अलावा कोई शहर ऐसा नहीं था जिस पर मुसलमानों की अमलदारी कायम ना हुई हो लेकिन शहर वालों ने अजीब दरख्वास की बेशक वो सिर्फ दरख्वास्त ही की कुदरत रखते थे तो शहर की कुंजियां उस वक्त के दो एम्पायर्स को शिकस्त देने वाले रियासत के फरमा खलीफा वक्त हजरत उमर अल-फारूक अलफारूक रजों के हवाले पर करेंगे अंबिया के शहर के बासियों की अल्तजा की तजीम की गई और बार खिलाफत में मरासला भेज दिया गया बारह सौ किलोमीटर से ऊपर की मसाफत तय करके पैंबर पहुंचा शहर इलिया यह बजतनी नाम है जो बैतुलमकदस के इर्द गिर्द आबाद शहर के लिए इस्तेमाल होता था फिर इसी नस्बत से इस शहर को यानी जिसको कि बैतुलमकदस मुसलमानों ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में कहा इसी नस्बत से इसको अलकुद बुलाया जाने लगा इसी शहर इलिया को जो मरात मुहैया की गई इस्लामी फतौहत में मराकश से लेकर वस्ती एशिया तक किसी शहर के लिए भी फिर कभी किसी भी खलीफतमसम ने मुहैया नहीं की कोई तो बात है इस जमीन की खासियत के हवाले से बैतुलमकदस के सफर पर हजरत उम्र रजिला जाबिया के मकाम पर आकर ठहरे और यहीं नसारा के अस्कफ आजम यानी पोप ने आकर सुलह की शराब तय की पहचान सकते हैं जान सकते हैं मदाइन फतः हुआ तमश फता हुआ कौन कौन सा शहर कौन कौन सी जगह फतेह नहीं हुई मगर बैतुलमकदस के साथ वो कौन सी ऐसी बात जुड़ी हुई थी कि खलीफत और रसूल इस बात को पहचान रहे थे कि हमें जाना चाहिए जब मुसलम अफवाज ने अलकुस का महासा किया हुआ था महजन रसूल हजर बिलाल रजील् भी लश्कर में शामिल हुए थे रसुल्लम की रहलत को कम वेश पाँच साल गुजर चुके थे और इस सारे अरसे में बिलाद रजील् एक बार भी अजान नहीं दी उन्होंने अजान देना छोड़ दी थी क्योंकि अजान के अल्फाज मुकम्मल ना हो पाते और उनकी हिंच हिचकी बन जाती थी मगर इस अजीम शान फ़तह के मौके के ऊपर साहब कराम रज़ी ने हजरत बिलाल से अजान की दरख्वास की और आप इसको टाल ना सके और एक बार फिर मौजन रसूल की आवाज़ को सुनकर सहाबा कराम रज के लिए रसुल्लम की याद ताज़ा हो गई और खूब रोए सबके सब क्या फतह थी फतह खुद ही वो मौका था जब उमर रजील ने फरमाया कि हम बेक़दर थे और इस किताब की वजह से अल्लाह तमें इज़्ज़त दी फिर जब इसको तर्क कर दिया जाएगा तो ज़िलत मसलत कर दी जाएगी यही हकीकत है जिसका मुशाह हम आज कर रहे हैं हर तरफ ज़लत ही मुसलत है इस शहर का मुसलमानों के मुकदसात में शमूलियत तो उस वक़्त ही हो गई जब अल्लाह जल्ला मजदहू ने मस्जिद अक्सा और उसके अतराफ को अपनी आयात में से बताया फिर यहाँ रसुल्लम से तमाम अम्बयाम की अमामत कराई फिर यहाँ से आसमानों का और अर्श तक का सफर पर तशरीफ़ लेकर उनको ले जाया गया और ये सब मदीना में मिलने वाली सल्तनत से कुछ महीने पहले अल्लाह तबारक वाल अनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह का सफ़र मुबारक करवा रहे हैं एक बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी करवाई जा रही है हदीस मुबारक में जहां मस्जिद अक्सा को बैतुलमकद कहा गया वहीं इस सरजमीन को अर्ज मुकदसा कहा गया इससे इस शहर को मुसलमानों ने अलकुद के नाम से पुकारा यानी द होली हालांकि इस शहर का इब्रानी और बासती नाम मौजूद थे ये शहर महज कोई शहर नहीं बल्कि शरीय इस्लामी में इसका खास मकाम है जैसे मक्का और मदीना का है तो हम देखते हैं कि रसुल्ला ने तीन मसाजिद के अलावा अजम सफर से मना फरमाया एक मस्जिद हराम दूसरी रसुल्ला की मस्जिद और तीसरी मस्जिद अक्सा यानी कि मस्जिद अक्सा का सफर करना इबादत में से एक इबादत है वहां नमाज पढ़ना मस्जिद हरम हराम और मस्जिद नबी के बाद तमाम रुई जमीन की नमाजों से अफजल है रसुल्ला हज या उम्र करने वाले को जन्नत की बिशारत अरसे मुकदसा का कोई एक इंच किसी में छोड़ा नहीं जा सकता इसमें उन्नीस सौ अठारह के बाद तमाम तर मकबूज इलाके शामिल हैं जिसकी बरतानवी साम्राज ने बंदर बांट की और इस खिता में मुसलमान नसारा और यहूद के बीच अगले सौ साल के लिए कुश्त खून का खेल जारी कर दिया न सिर्फ अर्ज़ मुकदसा हमारी इबादत और शार का हिस्सा है बल्कि रसूल रसुल्ल वसम की बशारती भी इसका अहता किए हुए हमारा मुस्तबल भी इससे जुड़ा हुआ है रसोल्ल सल्ला वसम ने फरमाया ये मामला यानी खिलाफत मदीना में होगी शाम में होगी इराक में होगी जजीरा में होगी कुसुम में होगी और फिर बैतलमस में जब बैतलमस में पहुंचेगी तो यहाँ इसका मुस्कर होगा और कोई भी लोग इसको वहां से बेदखल नहीं कर सकते बिल्कुल रसुल्ला ने सच कहा और जैसे के एक और फरमान है कि जिसमें मुसलमानों पर गुजरने वाले अदवार का जिक्र किया गया जिसमें से आखिरी है, है हम बाकी चार अदवार तो देख लिए हैं हम अभी जबर के दौर से गुजर रहे हैं जहां हम अपने ही भाइयों बहनों को कत्ल होता हुआ देख रहे हैं जहां हम अपने ही बहन भाइयों को बच्चों को हाथों में बोतलें और बर्तन उठाए पानी के लिए घूमता फिरता देख रहे हैं खाने के लिए तरसता हुआ देख रहे हैं और उनकी मदद से हमें रोका जा रहा है अगर ये जबर नहीं है तो फिर और क्या जबर हो सकता है और इसी जबर के दौर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बशारत दी कि खिलाफत हाजुल नबूआ वापस आएगी और इसी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार दारुल खिलाफत यानी खिलाफत का दारुल बैतुल मकदस होगा और ये कहा कि जब ये बैतुल मकदस में दाखिल होगा ये इसका घर होगा यहां से इसको कोई और लोग नहीं निकाल सकते अब कौन हो सकता है जो अर्स मुकदसा के साथ गद्दारी करेगा चाहे कोई आलम हो हुक्मरान हो जर्नेल हो इस सरजमीन का एक बालिश भी सरेंडर करेगा जिसको रसुल्ला ने अर मुकदसा कहा है तो ऐसा फर्द उम्मत और इस्लाम के गद्दार होने के लिए उस पर कैसे दो राय हो सक उन्नीस सौ अठारह के मकबूजा जदात अर्ज मुकदसा भी हैं अर्ज मुबारक भी यह हमारे मुकदसात में से हैं मगर इससे हट कर अगर हम इस्लामी ज़मीन के हवाले से हुक्म शरी की बात कर लें हमारे सामने बस इस्तमारी और साम्राज्य बयानियां और नजरियात रखे जाते हैं और हम में से जो जितना अच्छे तरीके से गास्बीन के इसदलाल की नकाली कर सकता है शिक्ष खुर्दा जहनों के लिए वो इतना ही समझदार दिखता है यू एन के तमाम करारदादे इंटरनेशनल लॉ कस्टमरी लॉ कन्वेंशन वगैरह जो कुछ भी है ये इस्तेमाल के गुलामी के महजब नाम हैं इनको परे रखते हुए इस्लाम के अहकाम की तरफ चलते हैं जब कोई इलाका मुस्लिम अफवाज की अस्करी कावशों के जरिए इस्लामी रियासत का हिस्सा बनते हैं तो इस इलाके के फायद में रियासत खिलाफत के तमाम तर बाशिंदों मकामी और दूर के सब बराबर के शरीक होते हैं ये बात साहब कराम के इजमा से साबित है कि जब इराक की सरजमीन के हवाले से उमर रजील्लाह ने अनसार और महाजरीन की आनत के साथ इन जमीनों को ज़ाती मलकियत नहीं बल्कि खराजी ज़मीन करार दिया था सब ने इस बात के ऊपर करार किया इस बात को एक्सेप्ट किया खराजी ज़मीन ने मकामी लोग ज़मीन की मुनफियत से फ़ायदा उठाते हैं और रियासत के बाकी शहरी खराज जजिया उशर जक़ात और ज़राय वगैरह के तवज़त तो से इस फायदे में शामिल हो जाते हैं चुनाच वो ज़मीन जिसकी मलकियत और फवाद में तमाम उम्मत शामिल है उसे कोई फ़र्द या ग्रोह किसी किस के तहत कुफार के तसलत में दे सकता है रसुल्ला ने फरमायामन आयशा रजिया तवायत है कि नबी करीम सल्ला वसम ने फरमाया अगर किसी ने एक बालिश भर जमीन भी जुल्म से ले ली तो सात जमीनों का तोक उसकी गर्दन में डाला जाएगा आज जो कोई भी दो रियासती हल की बात करता है या इसको जवाब देता है दरअसल वो इस्लामी जमीन जिसके लिए जहादी सबी करने वालों का खून और शहादतें शामिल हैं उस जमीन के कुछ हिस्से को कुफार के कब्जे में देने की बात कर रहा है यानी जुल्मन जमीन हथियाने में मदद कर रहा है ऐसा हर एक शख्स चाहे हुक्मरान है आलम है दानिश्वार है, अफसर है, है, अफसर निगोशिएटर इस जुल्म में शामिल होंगे और हदीस शरीफ के मुताबिक सात जमीनों के तो के गर्दन उनके गर्दन में डाल दिए जाएंगे और सदा के वह हकदार होंगे अब चाहे कोई लोग इस जमीन पर दस हजार साल पहले के रिहायशी होने के दावेदार ही क्यों ना हो इस्लामी अहकाम के मुकाबले में बाकी सब खाक है और हमें सरीहन इसके इम्कार का दिया गया है तुमने गौर नहीं किया लोगों की तरफ जिनका दावा तो यह है कि वो ईमान ले आए इस पर भी जो ए नबी आत पर नाजल किया गया और उस पर भी जो आपसे पहले नाजल किया गया वो चाहते हैं कि अपने मुकदमात के फैसले ताहूत से करवाएं हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया है कि ताहूत का कुफर करें और क्या मजीद ये बात अल्लाह सुबहान तला का हुक्म वाज नहीं करता मकबूजा जात मकबूजा इलाकों के हवाले से कि अल्लाह सुबहान तल्ला फरमाते हैं और इन्हें कत्ल करो जहाँ कहीं भी इन्हें पाओ और निकालो उनको वहां से जहां से तुम उन्होंने तुमको निकाला है आज गजा पर चंगेज़ ख़ान का रिकॉर्ड टूट रहा आज गजा पर चर्चल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं आज गजा पर आइजन हावर के यानी जो एटम बम डालकर अब एटम बम गिराकर जापान के अंदर दो शहरों को मल्यमेट कर दिया गया था रिकॉर्ड टूट रहे हैं खून खराबे के मुसलत साहूनी अफवाज के इनखला के लिए मुसलमानों की अफवाज को हरकत में आना होगा यही वक्त, वा, यही वाहिद इसका हल है इस हुक्म इलाही के रास्ते की हर रुकावट को उखाड़ फेंकना होगा चाहे वो मौजूदा सियासी या अस्करी क्यादतें हैं या मौजूदा कौमी रियातें हैं या नाम नहाद बैन अवी इदारे या कवानीन हैं इन सब को साइड पर करना होगा और ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है खिलाफत के क्याम के साथ जो दुनिया के लिए एक हकीकी तब्दीली दूसरे स्पीकर की तरफ चलते हैं जुनेद खान साहब को मैं दावा देता हूँ कि वो इस मौजू के ऊपर मसला है ये जो गजा का मसला है ये क्या एक इलाकाई मसला है या ये मुसलमानों के अकीदे का मसला है ये दो बड़ी तहजीबों के तसादम का मसला है इसको हमारे सामने तफसीली तौर पर बयान करें जी जुनेद खान साहब हम आपकी तरफ चलते हैं शुक्रिया हमाद अवज़बिल्ल मिनशतम बसमीम अल्हदिल्ल रबालमीन वसलात वसलाम रसूल करीम रबरा सदरी व यसरली अमरी वाहतमिलसैैनी यफ़ का हु कौली मोजे नाजरीन और सामीन असलमकुम वह वरक गुज़्त कुछ दिनों से इंटरनेशनल और लोकल मीडिया में फ़लस्तीन के हवाले से दो रियाती हल यानी टू स्टेट सोलूशन की बात बहुत ज़्यादा चल रही है हमारे आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ मुनिर भी हाल ही में अमरीका के दौरे पर गए और वहाँ पर भी उन्होंने ये बयान दिया कि इस मसले का हल जो पायदार हल है वो दो रियाती हल ही है ये दो रियाती हल दर हकीकत एक अमरीकी प्लान है जिसका मकसद नापाक यहूदी वजूद को फलसतीन के अंदर इस खत्े के अंदर एक क्रेडिबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म इसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना मेरे से पहले स्पीकर इस हल को आपके सामने एक्सप्लेन कर चुके हैं इस प्लान को आपके सामने एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसके हवाले से जो शरी अहकाम हैं वो भी बयान कर चुके हैं मैं आपको ये बताने, बताना चाहता हूँ कि ये प्लान दर हकीकत एक अमरीकी प्लान है और क्या ये बात हमारे लिए काफ़ी नहीं होनी चाहिए ये समझने के लिए कि ये प्लान दर हकीकत इस उम्मत के साथ मुसलमानों के साथ गद्दारी के सिवा कुछ भी नहीं है क्या गुज़त तीस पैंतीस साल की जो तारीख़ है क्या वो हमें ये समझाने के लिए काफ़ी नहीं है कि अमरीका का दिया हुआ हर प्लान इस उम्मत के लिए एक के बाद एक नाकामी रसवाई और मजीद मुश्किल और परेशानी ही लेकर आता है क्या हमने कश्मीर के अंदर अमरीकी प्लान का नतीजा देख नहीं लिया कि जहां पर कश्मीर की पूरी की पूरी स्ट्रगल को कॉम्प्रोमाइज करके कश्मीर को मोदी की झोली में डाल दिया गया और हमारे हिस्से में सिर्फ ढकोस ले आए मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि अमरीका और मगरब एक मुकम्मल आइडियोलॉजिकल क्लैश के अंदर मुस्लिम उम्मत के साथ आपको नज़र नहीं आ रही कि जहां उम्मत एक तरफ खड़ी है उसके मफादात एक तरफ़ खड़े हैं और मग़रबी तहजीब और उसकी आइडियोलॉजी एक दूसरी तरफ है और कश्मीर में भी यही हुआ था मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर क्या वजह थी कि अगर आ, हमारे हुक्मरानों को जंग से खौफ आता था तो क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी क्यों इन्होंने एक सीज़ फायर के ऊपर एग्री कर लिया और उस माहे पर दस्तखत करके अफवाज को उस बॉर्डर से मूव करके मुकम्मल तौर पर कश्मीर को सरेंडर करके आ, आ, भारत की झोली में डाल दिया गया क्या यह अमेरिकन प्लान नहीं था और यह खौफ नहीं है ये अमेरिका की गुलामी भी नहीं है बल्कि यह हुक्मरान कन्वेंस्ड हैं इस चीज़ के ऊपर वो अमेरिकन प्लान के साथ बिल्कुल हम आहंग है और यह इस आइडियाज की जंग में इस उम्मत के साथ नहीं खड़े बल्कि अमेरिका के साथ खड़े और यही अफगानिस्तान के अंदर भी हुआ था क्या हमने नहीं देखा था कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई की तो ये हुक्मरान इन्होंने सिर्फ यहीं पर इतफा नहीं किया कि ये न्यूट्रल रह जाते बल्कि इन्होंने अमेरिका का मुकम्मल साथ दिया इन्होंने अमेरिका को बेसिस दी इन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दिया और यहीं पर भी इतफा नहीं किया बल्कि इन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म के इनिशिएटिव्स लेकर अमेरिका को इस खत्ते में मजबूत किया ये खौफ नहीं है ये अमरीकी गुलामी भी नहीं है बल्कि ये हुक्मरान ये इनकी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन है कि ये इस जंग में अमरीका और मगरब के साथ खड़े और यही हमें लीबिया के अंदर नजर आया कि जब लीबिया में अमरीका को जरूरत पड़ी अमेरिकन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए तो ये हुक्मरान सफे अव्वल में शामिल थे क्या वजह थी कि यूएई की जो वॉर प्लेन्स हैं उन्होंने जाकर लिबिया के अंदर बम्बारी की मुसलमानों के ऊपर और इस जंग का अमली हिस्सा बने क्या ये खौफ था नहीं क्या ये सिर्फ अमरीकी गुलामी है नहीं बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन है कि वो अमेरिका के साथ खड़े होना चाहते हैं मगरब के साथ खड़ा होना चाहते हैं और यही हमें सूडान के अंदर भी नजर आया कि जब उम्मत के साथ एक और गद्दारी की गई और सूडान को दो लख तकसीम कर दिया गया अमेरिकन प्लान के एन मुताबिक और इस प्लान में भी हमारे हुक्मरान अमेरिका के साथ शामिल थे और मैं फिर आपसे पूछता हूं यह खौफ तो नहीं है ये, ये सिर्फ और सिर्फ गुलामी तो नहीं बल्कि यह एक आइडियाज की जंग में एक साइड चूज़ कर ली है इन हुरानों ने और वो साइड है इस उम्मत के खिलाफ और वो साइड है अमेरिका और मगरब के साथ देने की साइड इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है इन्होंने तहैया कर लिया है कि इस जंग में ये अमेरिका के साथ है और आज फलस्तीन और गजा के मसले पर भी हमें यही बात नज़र आती है कि इन हुक्मरानों ने उम्म के बरखिलाफ ये इस आइडियाज़ की जंग के अंदर अमेरिका और मगरब के साथ खड़े नजर आते हैं यही वजह है कि दो रियाती हल को इतनी शद्दोमद के साथ हमारे सामने पेश किया जा रहा है जैसे कि यही बस इस मसले का हल है वो जैसे शायर ने कहा है ना कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं तो वही अमेरिकन प्लान जो एक के बाद एक एक के बाद एक जिसकी वजह से उम्मत को रसवाई और शिकस्त का सामना किया आज फिर वही अमरीकी प्लान हमारे ऊपर उसको थोपा जा रहा है और ऐसे साबित करने की कोशिश की जा रही है बस के असल में तो हल यही है सामीन कुरान हमें बेहतरीन उम्मत उम्मत कहता है जो कि तमाम इंसानियत के लिए उठाया जिसको उठाया गया है और ये हुक्मरान ये ताज उठाकर अमेरिका को क्यों पहनाने पर मसर है हमें यह समझना होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका न्यूट्रल नहीं है बल्कि वो पहले दिन से इसराइल के साथ इस नापाक यहूदी वजूद के साथ खड़ा हुआ है सात अक्टूबर 2023 से नहीं बल्कि 1917 से जब फलस्तीन के अंदर इस नापाक यहूदी वजूद का बीज बोया गया था उस दिन से लेकर आज तक अमरीका इसराइल के साथ खड़ा हुआ है सात अक्टूबर 2023 और उसके बाद होने वाले वाकियात ने इस अलाइंस को इस मजबूत रिश्ते को इस ताल्लुक को और ज्यादा रीइम्फाइज कर दिया हमारे सामने इसको एक्सपोज कर दिया आपने देखा कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अमरीकी सदर जो बाइडेन अमेरिकी ऑपोजिशन डिफेंस सेक्रट्री सेक्रटरी ऑफ स्टेट जॉइंट चीफ और दीगर आला सरकारी अहदेदार उन्होंने इसराइल का एक नहीं मतदी दौरे किए और हर मौके पर वो उन यहूदी दरिंदों के साथ हमें सफ़ आरा नज़र आए उनकी सफ़ों में नजर आए और उन्होंने इस बात का अल ऐलान इजहार किया कि हम इस यहूदी वजूद के साथ हैं हम इनके साथ खड़े हुए हैं अमरीकी बेड़े और एक्टिवली इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं हम कैसे किसी भी अमरीकी प्लान का हिस्सा बन सकते हैं या उससे खैर की तो कर सकते हैं और मैं यहां पर यह बात भी कहना चाहूंगा कि उम्मत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यह कहते हैं कि शायद ये मसला यहूद के साथ हमारा एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है कि हमारा यहूद के साथ एक मसला है उम्मत का दर हकीकत यहूद के साथ सिर्फ हमारा क्लैश नहीं है बल्कि यह दो तहजीबों का तस्म है यह क्लैश ऑफ टू आइडियोलॉजीज़ है एक तरफ उम्मत है उसके अकायद हैं उसका इस्लाम पर अपने दीन के ऊपर खड़ा होना है और दूसरी तरफ मगरब की वो तहजीब है जो कि यह समझती है कि उसने डोमिनेट करना है उसने दुनिया को बताना है कि दुनिया कैसे चलेगी ये इन दो तहजीबों का तसादम है जो आज हमें गजा के अंदर नजर आ रहा है और ये तहजीब इसका लीडर कोई और नहीं अमरीका है यहूदी वजूद सिर्फ इसका एक मकरू चेहरा है जो हमें नज़र आ रहा है मगर इसका लीडर इसका सरगना अमरीका है ये क्लैश हमें बिल्कुल वाज नजर आ जाता है जब एक तरफ तो अमरीका और यूरोप खुलम खुला यहूद की मावनत और उनकी सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ एक कपड़े का टुकड़ा यानी वो फलस्ती स्कार्फ किफाया जिसको अगर पहन लिया जाए तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाती है एक तरफ तो वो अपने बॉम्ब्स के जरिए से अपने वेपन्स के जरिए से उस यहूदी वजूद की मावनत करते हैं दूसरी तरफ वेस्ट में अगर यूनिवर्सिटीज में कोई प्रो पलस्तिन मुजाहरा निकाल ले तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाती है उसके ऊपर भी यह कहा जाता है कि हमें यह कबूल नहीं है अगर कोई यह स्लोगन लगा दे कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री तो यह कहने की भी इजाजत नहीं है यह आइडियाज की जंग नहीं है तो और क्या है आप मुझे बताएं मीडिया पर मुसलमान एक्टिविस्ट पॉलिटिकल लीडर्स और समाजी पर्सनालिटीज को बुलाकर उनसे यह सवाल किया जाता है डू यू कंडेम हमास डू यू कंडेम जिहाद और अगर वो मनपसंद जवाब ना मिले जिसकी उनको तवक्को है तो कहा जाता है कि यह शख्स तो फंडामेंटलिस्ट है यह तो एक्सट्रीमिस्ट है यह तो उन्हीं के साथ है यानी कि माई वे और द हाईवे का, का कानून इस वक्त जारी है और देखिए ये पहला मौका नहीं है कि हमें ये क्लैश ऑफ सिविलाईजेशन या ये क्लैश ऑफ आइडियाज अपने सामने नजर आता है हम भूल नहीं सकते जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलसोज तोह की गई थी और उस वक्त जब उम्मत सड़क पर खड़े होकर यह मुतालबा कर रही थी कि इस तोह को रोका जाए तो हमें क्या कहा गया था कि आप इनटॉलरेंट हैं आप अदम बर्दाश्त आपके अंदर अदम बर्दाश्त है ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है आप क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते जब कुरान पाक के नुस्खे सरेआम जलाए गए तो उम्मत सरापा एहतजाज थी और उस वक्त भी हमें यही कहा गया कि ये तो एक किताब के चंद वर्क हैं आप क्यों इसमें जज्बाती हो रहे हैं आप बर्दाश्त करें ये तो हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम है ये तो हमारी तहजीब का एक सुतून है और जब मस्जिद अक्सा में यहूदी दरिंदे बूटों समेत दाखिल होकर नमाजियों को रोनते हैं तो तब भी हमें कहा जाता है कि देखिए इसको एक मुकदस मकाम का मसला ना बनाए ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं तो ये क्लैश ऑफ आइडियाज ये आज से नहीं है ये हमें उस वक्त से नजर आ रहा है हर हर मौके पर हमें नजर आता है और आज भी यही कहा जा रहा है कि पैलेस्टाइन को एक फ़लस्तीन को एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट के तौर पर देखें और जो आपको थोड़ी बहुत ज़मीन मिल रही है ये दो रियाती हल के नतीजे में जिसके ऊपर बात भी हो चुकी बस इसको कबूल कर लें आप और जो ज़मीनी हक़ाइक हैं हकीकत पसंद बने और इन ज़मीनी हक़ को कबूल करें और इस मामले को रफा दफा करें और यही यही लेसन हमें हमारे हुक्मरान भी दे रहे हैं यही लेसन हमें नाम नेहाद दानश्वर भी दे रहे हैं और मैं यह कहना चाहूंगा इनफ़ बस बहुत हो गया हमने आपकी बहुत बातें सुन ली हमें मगरब और अमरीका की अपीजमेंट की पॉलिसी को बदलना होगा खुदारा हमें इसको बदलना होगा हम इनके आगे जितना भी बिच जाए यह फिर भी हमसे डू मोर का मुतालबा ही करेंगे हमें यह लेक्चर भी देना बंद करें कि यह सिविलाइजेशनल क्लैश जो है रियलिस्टिक नहीं है हमें यह लेक्चर देना बंद करें कि अमरीका की ताकत और कुत बहुत ज्यादा है खुदारा इसके गुनगाना बंद करें हमने इराक और अफगानिस्तान में इस ताकत का हाल देख लिया था हमने बैसी की छतों से हेलीकॉप्टरों में दम दबाकर वो भागने वाली ताकत के मनाजिर हमें अभी तक याद है हम इन गीदड़ भपकियों में नहीं आने वाले ये उम्मत इस क्लैश के लिए तैयार है आप तैयार हो या ना हो और हमारे पास 1400 साल की तारीख़ है इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जहां हमने इस उम्मत ने बैक वक्त रोमन और पर्शियन सिविलाइजेशंस को ना सिर्फ इंगेज किया बल्कि उनको, थी। उनको शिकस्त फाश दी उनको इब्रतनाक शिकस्त दी हमने तातारियों के फितने को भी सहा और हमने उनको भी शिकस्त दी हमने सोमनाथ के मंदिरों को भी हिला दिया और कस्तनतुनिया के नाकाबले शिकस्त शहर को भी हमने तस्खीर किया हमारे लिए तोहन रसालत तोहन कुरान हो मस्जिद अक्सा की हरमत हो फलस्तान की अर्ज मुकदस हो ये हमारे लिए जीने और मरने के शूज़ हैं ये हमारे अकीदे के शूज हैं और ये उम्मत इस क्लैश के लिए तैयार ये उम्मत खड़ी है और तैयार है अगर अमरीका और मगरब यह समझता है कि वो आइडियाज की यह जंग जीत जाएगा तो यह उम्मत उसको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है और यह अमरीका की जो ताकत है ये जो जिससे हमें डराया जा रहा है ये कोई पहली ताकत नहीं है इस दुनिया में और ना ही कोई आखिरी ताकत है इनसे बड़ी बड़ी तहजीबें आई और जिनके बारे में अल्लाम तला ने हमें कुरान में बताया भी है कि वो आए और वो तबाह हो गए क्योंकि वो गुमराही पर थे और अल्लाह सुबहान तरशाद फरमाते हैं फम्मा आदन फस्तकबरु फिलहकी वन अशद्दन्ना कोतन अवलम यऊ अन्लाजी खलक हम हुआ अशद मिन हम कुन वकान बे आयातना यजहदून ये आद थे जो ना हक मुल्क में गुरूर करने लगे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कर कुवत में कौन है क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा अल्लाह जिसने उनको पैदा किया वो उनसे कुत में बहुत बढ़ कर कहे और वो हमारी आयतों से इनकार करते रहे और हमें सामीन ये समझना है कि जिस दीन के हम पैरोकार हैं जिस आइडिया जिस आइडियालॉजी को हम फॉलो करते हैं अल्लाबान ने हमें वादा किया है कि इसने गालिब होकर ही रहना है और अल्लाह सुबहान तुरान पाक में अर्षात फरमायाहू बिलहुदा वीन की शहीद वही तो है जिसने अपने पैगम्बर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इसको तमाम अदयन पर गालिब करे

उनका दोस्त खुदा है कि उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाता है और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाते हैं यही लोग अहल दोज हैं कि इसमें हमेशा रहेंगे और यही हमारा पैगाम है कि अब वक्त आ गया है कि इस हक और बातिल की जंग में इस क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज के अंदर जहां उम्मत ने तो अपना पलड़ा चूज़ कर लिया है कि वो हक़ के साथ है वो इस दीन पर खड़ी है इस्लाम के लिए खड़ी है और वो इसमें किसी किस्म की कोई कोताही कोई गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेगी और फलस्तीन का मसला हो या कोई और मसला हो उम्मत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल कबूल है और वो वो हल है जो कि अल्लाह सुबहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है इसके अलावा कोई और हल कबूल नहीं है शुक्रिया जुनेद खान साहब अब हम अपने तीसरे स्पीकर की तरफ चलेंगे और मैं मदु करता हूं इमरान यूसुफ जई साहब को कि वो हमारे सामने वो वजूहात रखें कि आखिर क्या वजह है कि हम अपने भाइयों की मदद नहीं कर सक रहे हम फलस्तीन और गजा में मुसलमानों की मदद नहीं कर सक रहे और आखिर इसका हल क्या है हम कैसे मुतहद हो सकते हैं तो इस मौजू पर बयान के लिए मैं दावत देता हूं नहमदून सीमी बिस्मिल है गद्दारी है और यह दरअसल कुफर और इस्लाम की जंग है जिसका मुजाहरा हम गजा में देख रहे हैं साठ हजार जख्मी कम से कम इक्कीस हजार शहीद जिनकी अक्सरियत बच्चों और औरतों की है और वेस्ट बैंक में भी ऐसा ही हाल शुरू हो चुका है तीन एटम बमों जितना बारूदी मवाद पैंका जा चुका है शहरी आबादी मलियामेट की जा रही है लाइव नसल कुशी कैमरों के सामने दुनिया के सामने जारी है मुस्लिम दुनिया के कल्ब में मुस्लिम ममालिक से गिरे हुए इलाके में छोटा सा यहूदी वजूद 10 से 50 मील तक चौड़ाई वाला मुल्क सबके सामने डटाई के साथ हमारे बच्चों और औरतों के सरों पर उनके चत गिरा रहा है वो मुस्लिम उम्मा से फरियाद कर रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम अवाम सड़कों पर उनकी मदद के लिए फाज बेचने का मुतालबा कर रही है उलमा फतवे जारी कर चुके हैं हरमत पामाल हो चुकी हैं अर्ज मुकदस पर यहूदी वजूद आग और खून की बारिश कर रहा है मस्जिद अक्सर लहू लहू है हर रेड लाइन पार हो चुकी है लेकिन क्या वजह है कि सतावन मुस्लिम ममालिक की जानब से अब तक एक भी गोली फायर नहीं की गई एक मुल्क ने सहूनी सफीर को नहीं निकाला एक मुल्क ने रॉकेट नहीं दागा एक सिंगल एक फौजी ने इस मसल वजूद की सरहद क्रॉस नहीं की जबकि अमरीका फ्रांस बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक फौजी एडवाइजर यहूदी वजूद के साथ बैठे हैं और उन्हें सुरंगों का नेटवर्क तोड़ने पर गाइड कर रहे हैं कैसे क्या इसकी वजह यह है कि मुस्लिम ममालिक फौजी तौर पर कमजोर हैं सिर्फ छह मुस्लिम ममालिक अफवाज तीन मिलियन है जो यहूदी वजूद की रेगुलर अफवाज सिर्फ डेढ़ लाख के मुकाबले में कितनी ज्यादा है आप अंदाजा लगाएं उनके रिजर्व तीन लाख है जबकि हमारे रिजर्व उनकी पूरी आबादी से ज्यादा हैं यहूदी वजूद के जहाज और हेलीकॉप्टर साढ़े चार सौ हैं जबकि सिर्फ मिस्र और तुर्की के पास हजार हजार से ज्यादा जंगी जहाज हैं इस यहूदी वजूद ने तीन डिवीजन फौज के साथ एक मसनू जंग का डेकोसला किया था और छह अरब मालिक को दिन में शिकस्त देने का ड्रामा रचाया था आज छह डिवीजन फौज के साथ एक गजा के लोगों के हौसले को तोड़ने में नाकाम हो चुका है जबकि आज 80 दिन हो चुके हैं यह यहूदी वजूद की हकीकत है अगर कोई कहे कि इसके पीछे अमरीका है तो यह अमरीका की ताकत एक्सपोज हो गई है 22,000 गाइडेड और अनगाइडेड बम भिजवा चुका है अमरीका 14,000 अरब 14 अरब डॉलर की फौजी सपोर्ट बेच चुका है पैंतालीस टैंकों के शेल बेच चुका है और सब नाकाम हो गए हैं जो अमरीका ने इस वजूद को दिए हैं और इस अमेरिका को हम बार बार शिकस्तें दे चुका है तो कोई हमें यह ना कहे कि इसके पीछे अमरीका है तो इसलिए वो नाकाबिल शिकस्त है उन्नीस सौ बहासी में एक लड़की मुसलमान लड़की लेला खालिद ने जिसकी सोलह साल उम्र थी उसने अमरीकी बैरक्स पर लेबनान में अटैक किया अस्सी सोल्जर उसमें मारे गए और अमरीका को लबना से निकलना पड़ा था उन्नीस सौ बहानवे में मुजाहिदीन ने यमन में आदन में अमरीका पर हमला किया और अमरीका को वहां से निकलना पड़ा 1993 में सोमालिया में ऐसा हुआ और अमेरिका को निकलना पड़ा इराक से 2011 में अफगानिस्तान से 2021 में रेजिस्टेंस इस उम्मत की जड़ों में इनके रगों में इनके खून में बसी हुई है हम बार बार अमेरिका को शिकस्त दे चुके हैं तो कमजोरी का जवाब सिर्फ डकोसला है युकमरान उनके लोग हैं यह है असल में यहूदी वजूद के मुआफिज फिर लोग हमें कहते हैं नहीं हमारी मीषत कमजोर है सवाल यह वाकई कमजोर है हर गिज नहीं यहूदी वजूद की आधी जीडीपी गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट पर मबनी है उनकी पूरी इकॉनमी पांच सौ अरब डॉलर की जी डी पी की इकॉनमी है इतने पैसों से सऊदी अरब सिर्फ एक शहर बसा रहा है दो सौ तीस अरब डॉलर से कतर सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा देता है इस वक्त सिर्फ पांच मुल्कों का पांच मुस्लिम मुल्कों का न वेल्थ फंड चार हजार अरब डॉलर से ज्यादा है पाकिस्तान सिर्फ सूद की अदायगी पर साढ़े सात हजार अरब रुपए लगा रहा है तो जवाब यह है कि वजह महिशत हरगिज़ नहीं है अगर कोई कहे कि यहूद के पीछे अमरीकी इकॉनमी है तो इसका आसान जवाब यह है कि अरब ममालिकरब अगर अपने से डी डॉलराइज करवा दें तो अमरीका हाई फॉर इन्फ्लेशन का शिकार हो जाएगा ना वो अपने 800 सौ अड्डो को चला पाएगा और ना ही वो इस जंग को फाइनेंस कर पाएगा और इस तरह से ब्रिक्स मालिक को भी ऐसा करने की हिम्मत मिलेगी जो अरब ममालिक बगैर यह करने से अपने आप को आजिज महसूस करते हैं क्या हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं और एक बार फिर जवाब है कि नहीं जो हथियार और जो टेक्नोलॉजी यहूद इस्तेमाल कर रही है वही हथियार या उससे बेहतर इस वक्त मुस्लिम मालिक के पास मौजूद है फाइटर जेट्स हो आर्टिलरी हो मिजाइल हो न्यूक्लियर न्यूक्लियर या न्यूक्स हो एयर डिफेंस हो क्या चीज है जिसमें हम यहूद से पीछे हैं तुर्की ईरान पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौजूद हैं ईरान पाकिस्तान के पास बेहतरीन बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सिस्टम मौजूद है एस फोर हंड्रेड मिजाइल डिफेंस हो अबाबील हो या कुछ और सब कुछ हमारे पास मौजूद है और इन सबसे ऊपर ईमान की ताकत हमारे पास है तो फिर क्या वजह है कि हमें गोली नहीं चला पा रहे हैं क्या वजह है कि एक रॉकेट फायर नहीं किया गया क्या वजह है कि एक एक फौजी गजा नहीं भिजवाया गया और ये तब जब यह हमारे एक अकीदे और ईमान का मामला है चलें छोड़ें जंग करने की बात छोड़ दें यह बताएं मिस्र, उर्दन बहरेन अमारात तुर्की मराकिश सूडान इन ममालिक ने यहूदी वजूद से अमन मुआहिदे क्यों खत्म नहीं किए उन्होंने इसकी धमकी भी दी है और बाकी मुमालिक जिन्होंने खुफिया ताल्लुक इस्तेवाल किए हैं उन्होंने इस ताल्लुक को काटा है और जवाब है नहीं इन ममालिक वजूद से इंटेलिजेंस कॉपरेशन बंद क्यों नहीं की मिसर उर्दन मुसलसल मुजाहिदीन की जासूसियां करके मालूम यहूदियों को देता है उन्होंने ताउन खत्म किया जवाब है नहीं तुर्की इस वक्त इस यहूदी वजूद का तीसरा सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है साढ़े सात अरब डॉलर सालाना यूएई हर हफ्ते 140 कमर्शियल फ्लाइट यहूदी वजूद के लिए मैनेज कर रहा है यहूदी वजूद से तजारती और सकाफी तालुक भी बंद नहीं कर सकते यहूदी वजूद का साठ फीसद तेल और गैस की सप्लाई काजकिस्तान नाइजेरिया और आजरबाईजान से होती है क्यों नहीं बंद की उन्होंने अगर ये बंद कर ले तो उनके टैंकों का तेल खत्म हो जाए उनके बिजली के कारखाने बंद हो जाए वह सब रुक कर रह जाए तुर्की मिसर और लेबनान की नेवी ने ईस्टर्न मेडिट्रेनियन पर मुकम्मल एम्बार्गो क्यों नहीं लगाया उनके तमाम ऑफ शोर गैस फील्ड से सप्लाई वो बंद कर सकते हैं बल्कि सब कुछ बंद कर सकते हैं इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन खलीज अकबा को बंद करके उस वजूद का नाथ का बंद कर सकते थे क्या इन्होंने और जवाब है नहीं क्या चीज पाकिस्तान को रोके हुए है कि वो अपने टैक्टिकल एटॉमिक वेपन्स मुस्लिम फौजी बिटालियन के हवाले करे और यहूद का एटमी हथियारों का एच खत्म कर दे क्या चीज हमें रोके हुए है कि आपने हम एटमी और मिजाइल प्रोग्राम के इस्तेमाल की धमकी दें जब यहूद का वजीर खज... वजीर गजा पर एटम बम की धमकी दे सकता है तो हम तो 260 सौ साठ एटम बमों से लेस रियासत है क्या चीज है कि मेडलिस और गल्फ की रियासतें अपने डॉलर के जखायर को दूसरे अहसास में तब्दील नहीं कर रही अगर वो यह करें तो यूरोप और अमेरिका की मीशत बर्बाद होकर रह जाए जो, जो पहले ही रिसेशन का शिकार है इसके बाद जो हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट होगी अमेरिका अपने दुनिया भर में 800 सौ अड्डों को रोल बैक करने पर मजबूर हो जाएगा इट विल बी ए गेम ओवर फॉर यूएस क्यों नहीं कर रही है। और जो आलमी सियासत को समझता हो वो जानता है कि अगर इस वक्त चीन को इनकरेज किया जाए कि वो ताइवान को जम करे उनकी सपोर्ट की जाए या रू, रूस को यूक्रेन जम करने के लिए उसकी हिमायत की जाए यह एक ऐसा सिक्योरिटी नाइटमेयर होगा कि अमेरिका चेक मैट हो जाएगा रूस जर्मनी के बॉर्डर पर पहुंच जाएगा अमेरिका के लिए एशिया पैसिफिक पर गलबे का ख्वाब डूब जाएगा क्या अमेरिका तीन जंगे कर सकता है वो एक जानेब यूरोपीय के पार्टनर्स को बचाए जिससे उसकी सैकड़ों अरब डॉलर की तजारत है या वो रूसी रीच को काबू करे या वो साढ़े चार हजार अरब डॉलर के एशिया पैसिफिक के ट्रेड रूस को प्रोटेक्ट करे या वो तीसरी जानब मुस्लिम दुनिया में अपनी फौजी चौकी यहूदी वजूद की हिफाजत करे क्या करेगा अमरीका क्या करेगा अमरीका अमरीका कुछ नहीं कर पाएगा क्या चीज है जो मिस्र तुर्की और उर्दन को फलस्तीन के ऊपर नो फ्लाई जोन कायम करने से माने हैं मुजाहिदीन खुद यहूदी वजूद का बंदोबस्त कर लें क्या चीज है कि मिस्र को नेरसवेज यहूदियों की सप्लाई के लिए बंद करने से माने हैं बताएं एक नॉन स्टेट एक्टर होशियो का बाबुल मंदप पर चंद हमलों के बाद यहूदी जो बंदरगाह है इलात उस पर 85 परसेंट एक्टिविटी बंद हो चुकी है तो अगर स्वेज बंद कर दिया जाए तो फिर क्या हाल होगा और क्या हाल होगा अगर इस मुस्लिम दुनिया यह मुस्लिम दुनिया इस करप्ट इंटरनेशनल ऑर्डर को मुस्तरद कर दे लेकिन यो कमरान कैसे करें सब कुछ कौन करेगा ये? क्या शाम का बशार ये करेगा जिसने खुद अपने पांच लाख शहरियों को बैरल बमों से बमबारियों से और केमिकल गैस से मार डाला और जिसका अपने इलाका यहूदियों के पास और उसने खामोशी से कबूल कर लिया क्या उर्दन शाह अब्दुल्ला यह करेगा जिसने समंदरी रास्तों में मसाइल के बाद अमरीका को फौजी और दीगर सप्लाई के लिए एयर ब्रिज खुद मुहैया की और जो यहूदियों को फ़लस्तीनियों पर जासूसी मुहैया कर रहा है या जनरल साहब करेंगे आसिम मुनिर साहब जो जंग के दरमियान में जब जंग के शोले गजा में भड़क रहे हैं तो फ्लैडलसी और वॉशिंगटन डी में सलीबी कैम्प पहुंचकर उनके कमांडरों से खुफिया रवाबत इस्तेवाल कर रहा है अपनी ख़िदमत और फादियत गिनवा रहा था और मजिद अक्सर उसके मुबारक अतराफ के बंटवारे की वकालत कर रहा था जिसने यहूदी वजूद को हमलों से बचाने के लिए नामी पाकिस्तानी नेवल जंगी जहाज भेज दिया वो करेगा ये या मिसर का जनरल सीसी करेगा जो यहूदियों का ताकतवर तरीन मुहाफिज है जो सबसे ज्यादा यहूद को जासूसी मुहैया करता है जिसने गजा के लिए तमाम इमदादें बंद की हुई हैं जिसने से सप्लाई को यकीनी बनाया हुआ है वो करेगा ये करेगा? जो इस बार मुंह का फायर मारने से भी डरा हुआ है जिसने यहूदियों के सफीर को निकालना भी मुनासिब नहीं समझा वो सफीर जब तुर्क फ्लोटेला पर हमला हुआ तो उसने उसको बाहर निकाल दिया था लेकिन गजा के बीस इक्कीस हजार लोगों की शहादतें और साठ हजार लोगों को जख्मी करना काफी नहीं है सफीर निकालने के लिए ना उसने तजारत बंद की बल्कि आज जो यहूदी पायलट गजा पर बमबारी कर रहे हैं उनमें से कई तुर्की के अंदर ट्रेन हुए हैं ये वो पायलट हैं जिन्होंने अर्दोगान पर भी जासूसी की थी लेकिन अर्दोगान इसके बावजूद उनके सफ़ीर को भी नहीं निकाल रहा या ईरान यह करेगा जिसके प्रॉक्सी के पास इसराइल को खत्म करने वाले मिजाइल्स हैं और जो अमरीकी बहरी बेड़ों को भी डबोने वाले मीजाइलों और ड्रोन से लेस हैं लेकिन वह सिर्फ खून लगाकर शहीदों में शामिल हो रहे हैं अभी इसी हफ्ते यहूदी वजूद ने ईरान का जर्नल शाम में मार दिया लेकिन वह मजम्मत से आगे नहीं बढ़े ये बहरेन सऊदी अरब उर्दन और मतहद अरब इमारात हैं जिन्होंने अभी दो हजार किलोमीटर लंबा जमीनी रूट कायम करके यहूदी वजूद की सप्लाई लाइन बहाल रखी हुई है जिससे दो दिन में तमाम सप्लाई इस वजूद को पहुंच रही है यह ममालिकीज फायर और मुकर भी दरअसल यहूदी यमालों की रिहाई के लिए कर रहे हैं और हमास से मुतालबा कर रहे हैं कि वह गजा खाली कर दे और डीमिलिटराइज हो जाए ये हैं वो असल आस्तीन के साम इनको यह तोफीक नहीं हुई कि अमरीकी वजीर खारजा को ईस्ट के दौरे के के दौरे को मुस्तरद कर दें इनको यह तोफीक नहीं हुई कि अमरीका अमरीकी वजीर खारजा के ईस्ट के दौरे को मुस्तरद कर दें नहीं ये कतार अंदर कतारों से मुलाकात के लिए पहुंच गए और उनसे डिक्टेशन ली इस पूरे दौर में हर दिन सौ बच्चों को आन एवरेज कतल करता रहा उसका डिप्टी वजीर दिफा फलस्ती को जानवर के कहलाता रहा कहता रहा वो और वो जो खुद बंदर और खंजीरों की औलाद है वो मुसलमान औरतों और बच्चों को जायज टारगेट समझते हैं अपने बच्चों को हैप्पी बर्थडे के लिए मुसलमानों की इमारतों को ब्लास्ट करके खुशियां मनाते हैं उनका वजीर आजम जिसको वो बीबी -बी कहते हैं इस तबाही और बर्बादी को मुकदस जंग गर्दानता है वो बुक को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं अट्ठानवे फीसद गजा की आबादी बुक का शिकार है चौसठ फीसद गा वगैरह का रहे हैं ताकि बुक को मिटाए और फीकस हर दिन सिर्फ डेढ़ लीटर पानी दस्तियाब है जबकि कम अज कम फीकस जरूरत साढ़े सोलह लीटर होती है बाइडन हो ऋषि सोनक हो मैक्रोन हो सभी यहूदी वजूद के साथ खड़े हैं और हमारे हुक्मरान भी उनके साथ खड़े हैं ये वजूद उस पुराने सलीबी दौर की किंगडम ऑफ यरोशलम है जिसे इससे पहले सलाउद्दीन अयूबी ने शिकस्त दी थी और ये वेस्ट जानता है कि मुसलमान एक बार फिर मुतहद होकर इसे उकाड़ पेंगेंगे इसलिए वो कह रहे हैं वी स्टैंड विद इसराइल हमारे कमरान भी अपने अमल से यही कह रहे हैं कि सलीबियों का एक फ्रंटमैन इसराइली यहूदी वजूद है और दूसरा फ्रंटमैन मुस्लिम कमरान है गदे इन मुस्लिम कमरानों से बत, बरतर हैं सब दलीलें खत्म हो चुकी है गजा ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है फलस्तीन के मुसलमान शहादतों को सेलिब्रेट करते हैं उन्होंने यहूद की हकीकत वाजे कर दी है उन्होंने ऑर्डर इनके नाम नेहादा आजादियों जमहूरियत और इंसानी हकूक सबको बेनकाब कर दिया है इन्होंने मुस्लिम मुस्लिमों को बीच चौराहे में नंगा लाकड़ा किया है गजा ने मुसलमानों को बता दिया है कि मुसलमानों की अजमत का रास्ता वाजह है इन हुक्मरानों से चुटकारा हासिल करना या तो खिलाफत होगी जिसका मरकज मकदस होगा जो आजादी अजमत निशातिसानी और उरूज का रास्ता है या फिर कौमी रियासतें जमहूरियतें और बादशाहतों के नीचे गुलामी जिल्लत बैरती और बेशर्मी का रास्ता है ऑप्शन इज आवर्स वमा अलनाबी सदक अल्लाह शुक्रिया इमरान साहब अच्छा जैसा कि हमारे तीनों मेहमान ग्ररामी ने आपके सामने इस मौजू के ऊपर तफसीली अपने ख़्याल का इज़हार भी किया और कुरान और सुन्नत से हुक्म शरी भी बताया हमें अपने अजहान के अंदर इस बात को बिल्कुल वाजह तौर पर क्लियर कर लेना है कि इस मसले का और कोई हल नहीं किसी के पास कोई हल नहीं ना अकवा मुतहद ना आलमी अकवाम ना कोई और सियासी हल इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही हल है और वो है कि खिलाफत के झंडे के तहत अफवाज के ज़रिए जिहाद का आगाज किया जाए आज मैं इस कॉन्फ्रेंस को के अख्ताम की तरफ बढ़ते हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और मैं तमाम सामीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आखिर में इस मौजू से मुतल एक डॉक्यूमेंट्री मज़ीद आपके ख़दमत में पेश की गई है उसको देखते हुए सरजमीन हुएगा से मुतालिक दो रियाती हल एक अमरीकी हल है जिसकी हिमायत करना अल्लाह सुबहाना हुआ ताला सल्लम और ईमान वालों से गद्दारी है क्योंकि मुसलमानों की सरजमीन एक ऐसी हुमत है जिससे दस्तबरदारी जायज नहीं अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कुफार की किसी भी किस्म की बाला दस्ती कबूल करने को हराम करार दिया है अल्लाह ने इरशाद फरमाया सबीला। और अल्लाह ने काफिरों को मुसलमानों पर हरगिज कोई इख्तियार गलबा नहीं दिया और अल्लाह ने कुफार की तरफ से मुसलमानों की सरजमीन के गसब के खात्मे को फर्ज करार दिया है अल्लाह ने कुरान में इर्शाद फरमाया और निकाल दो उन्हें वहाँ से जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है अल्लाह का ये हुक्म किसी भी इस्लामी सरजमीन के मुतालिक है जबकि फलसतीन की सरजमीन तो मुसलमानों के हरम और किबला अव्वल मस्जिद अक्सा और नबी करीम अलैहि सल वसम के इस राव में राज की सरजमीन है कि जिसमें अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने क़यामत के दिन तक के लिए बरकत रख दी है हम पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी अशराफिया को ख़बरदार करते हैं कि वो अल्लाह उसके रसूल सल सल्ला वसम और मुसलमानों के साथ ख्यात से बाज रहे आप अमेरिका को वही जवाब दें जो सुल्तान अब्दुल हमीद दो ने दिया था जब उन्होंने यहूदियों के साथ फलस्तान की जमीन पर सौदेबाजी से साफ इनकार कर दिया था फलस्तान की सरजमीन मुस्लिम हुक्मरानों की मलकियत नहीं कि वो इस पर सौदेबाजी करें ये उम्मत की सरजमीन है जिसकी हिफाजत उम्मत ने अपने खून से की है किसी आलिम जज जनरल सियासी या जहादी ग्रोह या किसी के पास ये हुक्तिर नहीं कि वो अमरीका अकवामी बरदरी के दबाव पर फ़लस्तीन की सरजमीन के एक इंच को भी दो रियाती हल के नाम पर यहूद के हवाले करें मुस्लिम अफवाज पर यह लाजिम है कि वो जहाद के जरिए पूरे के पूरे फलस्तन को आज़ाद करवाए मुस्लिम ने अपनी सही में अबू हुरारा रदी अल्लाह तहों से रिवायत की है कि रसूल सल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग ना कर लें मुसलमान इन्हें कत्ल करेंगे एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया यहूदी तुमसे लड़ेंगे और तुम उन पर गालिब आ जाओगे